कुछ इस तरीके की चाबी यहाँ पर आपको VXI प्लस वेरिएंट के अंदर देखने को मिलती है। लॉक अनलॉक का बटन दे रखा है, पीछे की तरफ सुजुकी का लोगो है। सेंटर लॉकिंग भी यहाँ पर आपको VXI प्लस वेरिएंट के अंदर मिलेगी, जबकि VXI वेरिएंट के अंदर आपको कुछ इस तरीके की बेसिक सी की मिलती है। इसमें आपको कोई भी सेंटर लॉकिंग वगैरह नहीं देखने को मिलती है। ये दोनों ही 2024 वाले अपडेटेड मॉडल्स है जो कि अभी हाल फिलहाल में अपडेट हुए हैं। और इंटीरियर आप चेकआउट कर सकते हो, कुछ इस तरीके का मिलता है जो कि एकदम ही बेसिक सा लगता है। इसका इंटीरियर आप चेकआउट कर सकते हो, ये थोड़ा सा प्रीमियम लगता है एज कम्पेयर टू VXI वेरिएंट। हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित चौहान और स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जहां पर आज हम कंपेयर करने वाले हैं नई 2024 वाली ऑल्टो K10 के VXI वेरिएंट और VXI प्लस वेरिएंट को। कीमत की बात करें तो VXI वेरिएंट का जो एक शोरूम प्राइस है वो है 5,06,000 रुपये और VXI प्लस वेरिएंट का जो एक शोरूम प्राइस है वो है 5,35,000 रुपये। ये दोनों ही 2024 वाले अपडेटेड मॉडल्स है जो कि अभी हाल फिलहाल में अपडेट हुए हैं। और इन दोनों वेरिएंट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती है, क्या क्या फीचर यहाँ पर आपको ऑफर किए जाते हैं, उन सारी डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। और एंड में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपके लिए ऑल्टो K10 का VXI प्लस वेरिएंट ज़्यादा सही रहेगा या VXI वेरिएंट। सबसे पहले अपन चाबी की बात करते हैं, तो कुछ इस तरीके की चाबी यहाँ पर आपको VXI प्लस वेरिएंट के अंदर देखने को मिलती है। लॉक अनलॉक का बटन दे रखा है, पीछे की तरफ सुजुकी का लोगो है। सेंटर लॉकिंग भी यहाँ पर आपको VXI प्लस वेरिएंट के अंदर मिलेगी, जबकि VXI वेरिएंट के अंदर आपको कुछ इस तरीके की बेसिक सी की मिलती है। इसमें आपको कोई भी सेंटर लॉकिंग वगैरह नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। और फ्रंट लुक की बात करें तो पहले मैं आपको VXI वेरिएंट दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इस गाड़ी के अंदर जो है हेलोजन में हेडलाइट सेटअप देखने को मिलता है, ठीक है। हेलोजन में इंडिकेटर मिलता है, ग्रिल कुछ इस तरीके की मिल जाती है, सुजुकी का लोगो यहाँ पर मिल जाएगा और कोई भी फॉग लैंप वगैरह यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें VXI प्लस वेरिएंट की, तो VXI प्लस वेरिएंट के अंदर और VXI के अंदर फ्रंट से देखने में कोई भी डिफरेंस आपको पता नहीं लगने वाला है। सेम डिज़ाइन है, यहाँ पर भी आपको हेलोजन में हेडलाइट सेटअप मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको इंडिकेटर जो है वही हेलोजन में ही मिलता है, सुजुकी का लोगो है। ग्रिल कुछ इस तरीके की मिलती है, सेम फ्रंट से देखने में ऑलमोस्ट सिमिलर सी लगेगी आपको, कोई भी डिफरेंस आप ऐसा पता नहीं कर पाओगे कि दोनों गाड़ियों के अंदर जो है फ्रंट से देखने में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सेम वही वाइपर वॉशर यूनिट है, सारी चीज़ें सेम है, एंटीना भी सेम दे रखा है। साइड लुक की बात करें तो VXI प्लस वेरिएंट के अंदर आपको कुछ इस तरीके का साइड लुक देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इस गाड़ी के अंदर 13 इंच के स्टील रिम दे रखे हैं, आगे की तरफ डिस्क ब्रेक है, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स हैं। टायर प्रोफाइल है 145 ATR 13। इंडिकेटर यहाँ पर आपको मिलता है, हाथ से ही फोल्ड अनफोल्ड और एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। ORVM कोड और हैंडल आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके के मिलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको VXI प्लस वेरिएंट दिखा देता हूँ। साइड से देखने में भी आपको इस सच कोई ज़्यादा फ़र्क लगेगा नहीं, देख सकते हो आप साइड से भी दोनों VXI और VXI प्लस एज इट इज़ सेम दिखते हैं। 13 इंच का स्टील ट्रिम है, 145 ATR 13 के टायर प्रोफाइल है, आगे की तरफ डिस्क ब्रेक, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स, और जो टायर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 165 mm के आसपास का है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 27 लीटर की टैंक कैपेसिटी आपको दोनों ही गाड़ियों के अंदर मिल जाती है। अब बात करते हैं रियर लुक की, तो रियर से भी आप लुक चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। रियर से देखने में भी आपको कोई फ़र्क नहीं लग रहा होगा क्योंकि एज इट इज़ सेम आता है, मेन डिफरेंस आता है अंदर, उसकी हम अंदर चल के बात करेंगे। VXI वेरिएंट में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको जो है स्टॉप लैंप मिल जाता है, कोई भी वाइपर वॉशर डिफोगर नहीं मिलता है। सुजुकी का लोगो है, ऑल्टो K10 की बेजिंग दे रखी है। इंडिकेटर यहाँ पर आपको मिलता है, रिवर्स लैंप दे रखा है और स्टॉप लैंप मिल जाएगा। दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं और बूट खोलने के लिए आपको जो है ये चाबी लगाकर खोलना पड़ेगा। बस एक और चीज़ है जो कि यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, वो है पार्सल ट्रे। VXI प्लस वेरिएंट के अंदर आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है, वही स्टॉप लैंप दे रखा है, सुजुकी का लोगो है, ऑल्टो K10 की बेजिंग, एक रिवर्स लाइट, स्टॉप लैंप, इंडिकेटर, दो पार्किंग सेंसर एज इट इज़। रियर से देखने में आपको दोनों ही गाड़ियाँ सेम लगने वाली है। अब आता है मेन डिफरेंस जो कि है इंटीरियर में, तो चलते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के इंटीरियर में और मैं आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको VXI दिखाऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि VXI प्लस के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम यहाँ पर आपको मिलता है, ग्रैब करने के लिए दे रखा है, बोटल होल्डर है, डोर हैंडल आपको मिल जाएगा, स्पीकर मिलते हैं, दो ही दे रखे हैं। ड्राइवर साइड की जो सीट है उसे आप आगे पीछे कर सकते हो, रिक्लाइन कर सकते हो, ठीक है। और अब क्योंकि ये 2024 वाला अपडेटेड मॉडल है, निकाल देता हूँ, अब क्योंकि ये 2024 वाला अपडेटेड मॉडल है तो यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल असिस्ट देखने को मिल जाएगा। अब ऑल्टो K10 के सभी वेरिएंट्स के अंदर आपको जो आपका ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल असिस्ट देखने को मिलेगा, तो वो भी एक अच्छी बात है। ABC पेडल दे रखे हैं, चाबी आप यहाँ पर लगा सकते हो, बोनट खोल सकते हो, फ्यूल लिट खोल सकते हो और यहाँ से आप जो बोनट है वो खोल सकते हो, इससे आप बूट खोल सकते हो। बूट और बोनट में थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ मैं,
और इंटीरियर की बात करें तो कुछ इस तरीके का इंटीरियर यहाँ पर आपको VXI वेरिएंट के अंदर देखने को मिलता है। देख सकते हो आप, सुजुकी का लोगो है, एयरबैग की बेजिंग दे रखी है और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का बेसिक सा स्टेयरिंग व्हील है। कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको नहीं मिलती है। हेडलाइट के कंट्रोल्स है, वाइपर के कंट्रोल्स दे रखे हैं और यहाँ पर आपको जो है कुछ इस तरीके का क्लस्टर देखने को मिलता है। ये डिजिटल मिलता है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है वही आपका जो पेट्रोल कितना है वो दिखा देता है और रेंज और माइलेज कितना है वो शो कर देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है ये कुछ इस तरीके का इंफोटेनमेंट मिलता है, मतलब म्यूज़िक सिस्टम। इसे आप वॉल्यूम वगैरह यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ट्यून व्यून कर सकते हो। इसमें आप ऑक्स भी लगा सकते हो और यहाँ पर आपको जो है ये ऑक्स और जो आपका USB है वो भी लगा सकते हो। पावर विंडो फ्रंट टू दोनों की मिल जाती है, हैजार्ड लाइट मिल जाएगा और यहाँ पर आपको जो है ये नॉर्मल IRVM दे रखा है। सेंटर में हेलोजन में लाइट दे रखी है। इस साइड कोई भी टिकट होल्डर वगैरह आपको नहीं मिलता है और ना ही इस साइड मिलता है। जो AC के कंट्रोल से वो दे रखे हैं मैनुअल। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको मिलता है केवल। एक फ़ोन रखने के लिए स्पेस, 2 कप होल्डर और यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलता है। मैनुअल हैंड ब्रेक दे रखा है और ग्लव बॉक्स के अंदर भी आपको डिसेंट साइज़ का स्पेस मिल जाता है। ORVM को कंट्रोल करने के लिए आपको ये डंडियाँ मिलती हैं और इंटीरियर आप चेकआउट कर सकते हो, कुछ इस तरीके का मिलता है जो कि एकदम ही बेसिक सा लगता है। अब चलते हैं अपन VXI प्लस वेरियंट की तरफ और VXI प्लस वेरियंट का इंटीरियर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मेन डिफरेंस आता है VXI प्लस के इंटीरियर में। डोर ट्रिम आप चेकआउट करो, कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम मिलता है। डोर ट्रिम के अंदर आप देखोगे तो ये सिल्वर फिनिश का फ़र्क है। लॉक अनलॉक कर सकते हो, ग्रैब करने के लिए है बोटल होल्डर। स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। बूट खोल सकते हो, फ्यूल लिट खोल सकते हो। वही आपका जो है बोनट खोलने के लिए हेडलाइट लेवलर और ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसमें भी वही आप सीट आगे पीछे कर सकते हो। कोई भी हाइट एडजस्टमेंट का फंक्शन यहाँ पर नहीं दे रखा है। और अब बात करते हैं इंटीरियर की, तो इंटीरियर में यहाँ पर जो है एक बहुत ही बड़ा फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। इसका इंटीरियर आप चेकआउट कर सकते हो। ये थोड़ा सा प्रीमियम लगता है एज़ कम्पेयर टू VXI वेरियंट, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाएंगे। सुजुकी का लोगो दे रखा है सिल्वर फिनिश में, सिल्वर फिनिश यहाँ पर स्टेयरिंग व्हील में भी मिलती है। इसका स्टेयरिंग थोड़ा सा प्रीमियम लगता है एज़ कम्पेयर टू VXI वेरियंट। और यहाँ पर कोई भी आपको जो है ये हाइट मतलब इसमें एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलेगी। हेडलाइट के कंट्रोल्स है, वाइपर के कंट्रोल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलता है। ये टेकोमीटर है, मतलब ये स्पीडोमीटर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको जो है वही पेट्रोल वेट्रोल शो कर देगा। इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है मेन, ये तो सेम सा है, बस स्टेयरिंग व्हील का फ़र्क है यहाँ पर। और उसके बाद आपको इस गाड़ी के अंदर जो है ये इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा जो कि टच स्क्रीन वाला है, जो कि उसमें टच स्क्रीन वाला नहीं दे रखा है। और सेंटर लॉकिंग यहाँ पर आपको VXI प्लस वेरियंट के अंदर मिलती है, VXI वेरियंट के अंदर नहीं मिलती है। इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायर के थ्रू मिल जाएगा, तो वो भी एक अच्छी बात है। पावर विंडो के कंट्रोल दे रखे हैं दोनों ही गाड़ियों के अंदर। फ्रंट टू पावर विंडो आती है, रियर में नहीं आती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको जो है कुछ इस तरीके का मैनुअल AC कंट्रोल्स दे रखे हैं। एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है और USB और ऑक्स के लिए पोर्ट मिल जाएगा जो कि उस गाड़ी के अंदर यहाँ मिलता है, ठीक है। फ़ोन रखने के लिए स्पेस, 2 कप होल्डर, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है, मैनुअल हैंड ब्रेक दे रखा है और यहाँ पर आपको जो है ये IRVM मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको माइक भी मिल जाएगा इस गाड़ी के अंदर जो कि उस गाड़ी के अंदर नहीं है। हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं, मतलब सेंटर में आपको जो है केबिन लाइट मिल जाती है। इस साइड आप देखेंगे तो नॉर्मल जो आपको सनशेड है वो मिल जाता है। इस साइड आपको जो है कोई भी वैनिटी मिरर वगैरह नहीं मिलता है। इसकी जो सीट वगैरह है वो भी एज इट इज़ सेम है। ग्लव बॉक्स का स्पेस जो है वो भी सेम है, बस यहाँ पर जो फ़र्क है वो यहाँ पर इन चीज़ों का है और इसका है, और सेंटर लॉकिंग का फ़र्क आपको दोनों गाड़ियों के अंदर मिल जाता है। अब बात करते हैं रियर के स्पेस की, कि रियर में जो है कैसा क्या स्पेस दोनों गाड़ियों के अंदर मिलता है, फिर हम इंजन की बात करेंगे। बाकी डोर ट्रिम कुछ इस तरीके का मिलता है। रियर में आपको दोनों ही गाड़ियों के अंदर सेम डोर ट्रिम मिलता है, उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको एक यकीन हो जाए। देख लो आप, ठीक है। उसमें बस सिल्वर डोर हैंडल है, उसके अलावा पावर विंडो नहीं है उसमें भी और इसमें भी नहीं है। रियर में आप देख सकते हो यहाँ पर पार्सल ट्रे नहीं मिलती है, तो वो एक चीज़ है। बाकी दोनों गाड़ियों के अंदर रियर में कोई फ़र्क है नहीं। यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो है सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल है, इसे आपको जो है कांच को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। स्पीकर नहीं आते हैं रियर में, ग्रैब करने के लिए दे रखा है। और रियर के स्पेस की बात करें तो देख सकते हो ये जो भाई साहब है ये सेम मेरी हाइट के हैं, इनका स्पेस वगैरह आप देख सकते हो। इनका जो हेडरूम है वो भी आप देख सकते हो, अच्छा खासा मिलता है। रियर में एमिनिटीज़ वगैरह में सच कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, सारी चीज़ें एकदम सिमिलर सी ही मिलती है। दो लोग रियर में बैठ सकते हैं और रियर में यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे भी मिल जाएगी जो कि आपको VXI वेरियंट के अंदर नहीं देखने को मिलती है, ठीक है।
और अब बात करते हैं इंजन की, तो इंजन वगैरह में भी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है जैसे कि वैगनआर में है कि VXI LXI में अलग इंजन आता है, ZXI प्लस में अलग इंजन आता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं है। अगर आप बेस मॉडल भी लोगे तो सेम इंजन है, टॉप मॉडल भी लोगे तो सेम इंजन है। 1 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, 65.71 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है, 89 Nm का टॉर्क है और 25 के आसपास कंपनी माइलेज क्लेम कर देती है, ठीक है। और अब बात करते हैं भैया कंक्लूज़न की कि आपको ऑल्टो K10 का VXI प्लस लेना चाहिए या VXI वेरिएंट लेना चाहिए। तो देखो अगर आपका बजट, जैसा अगर आप VXI भी लोगे तो आई थिंक 5.5 लाख रुपए के आसपास ये कॉस्ट करता है, अगर कहीं अच्छा डिस्काउंट चल रहा होगा तब इस 5-30 के आसपास मिल जाएगा। VXI लोगे तो, VXI प्लस लोगे तो 6 लाख रुपए के आसपास पड़ेगा ऑन रोड। एक शोरूम प्राइस में 30 हज़ार रुपए का डिफरेंस है। 30 हज़ार रुपए में आपको इस गाड़ी के अंदर सेंटर लॉकिंग एक्स्ट्रा मिल रही है, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट एक्स्ट्रा मिल रहा है जो कि ऑल्टो K10 के अंदर बाहर से लगवाओगे तो कुछ खास जमता नहीं। उसके बाद आपको इस गाड़ी के अंदर जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल रहे हैं जो कि आप बाहर से इजीली नहीं लगवा पाओगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के आप जो पैसे दे रहे हो वो मेरे हिसाब से तो काफ़ी हद तक वर्थ है। तो अगर आप थोड़ा सा बजट एक्सटेंड कर सकते हो तो आप ऑल्टो K10 का VXI प्लस वेरिएंट ही लो, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मेरे हिसाब से यही है। VXI में सेंटर लॉकिंग तक नहीं आती है, इंफोटेनमेंट आ रहा है बस, वो भी वो बटन वाला, तो उसका करोगे क्या आप, ठीक है। मेरे हिसाब से ज़्यादा सेंस VXI प्लस ही बनाता है, बाकी आपकी चॉइस है, आपका पैसा, आपको जो खरीदना है वो खरीद सकते हो। और आप एक बार ध्यान रखना कि आपको आपकी गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन जरूर होना चाहिए, क्योंकि अभी भी कहीं डीलरों के पास पुराना स्टॉक बचा हुआ है तो हो सकता है वो आपको ये चिपका दे। तो यही थी आज की वीडियो ऑल्टो K10 के VXI प्लस वेरिएंट और VXI वेरिएंट के कंपैरिजन की। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।